Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. What's up guys and welcome back to another vlog. इतने सारे लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे लंदन की सीरीज़ के लिए, सो फाइनली इट्स कमिंग. मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा लंदन में इस बार डिटेल में, चाहे फिर वो लंदन की नाइट लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि मेरा कज़न अभी रिसेंटली मूव हुआ है इंडिया से लंदन एंड ही स्टडिंग देयर, तो मैं पूरी आपको स्टूडेंट लाइफ भी दिखाऊँगा लंदन की. उसके अलावा अट्रैक्शन एंड वो सारी चीज़ें तो मैं कवर करूँगा ही. सो गाइज, इस सीरीज़ का एक भी व्लॉग मत मिस करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है. अभी मेरी फ़्लाइट है यहाँ से लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट की. लंदन में चार एयरपोर्ट है, मतलब लंदन के आसपास. एक है लंदन ल्यूटन, लंदन स्टैनस्टर्ड, हीथ्रो एंड गैटविक. जो सबसे मेन एयरपोर्ट है लंदन का वो हीथ्रो है, बट वहाँ पे सारी मेन एयरपोर्ट से फ़्लाइट जाती है. तो अगर मैं वॉर्सो से अपनी फ़्लाइट कराता तो लंदन हीथ्रो जाती, जो सबसे पास है सिटी के. ल्यूटन आई थिंक अराउंड एक घंटा दूर है, जो मेन सेंटर है लंदन उसका. ल्यूटन खुद एक सिटी है, बट इसे लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट इसलिए कह देते हैं क्योंकि लंदन के काफ़ी पास है. तो मेरी फ़्लाइट अभी ल्यूटन की है एंड वहाँ से फिर मुझे बस लेके डायरेक्ट जाना है मेरे कज़न के पास. आई थिंक मैंने अभी तक उसको एक भी व्लॉग में इंक्लूड नहीं किया, बट यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले जितनी भी ट्रैवलिंग मैंने करी है, फिर चाहे वो पूरी यूरोप में हो या फिर और कहीं, सारी मैंने उसी के साथ करी है. हमने इवन रोड ट्रिप करी थी 5,500 किलोमीटर की पूरी यूरोप में, एंड मैं लास्ट टाइम लंदन भी उसी के साथ गया था 2018 में, एंड ही इज़ लिविंग देयर नाउ. तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, तो बिल्कुल एक लोकल की तरह मैं आपको सिटी दिखाऊंगा. एंड गाइज, आई रिसेंटली गॉट दिस अमेजिंग बैकपैक फ्रॉम पीजी वाइटर. आई थिंक ये अभी तक का सबसे बेस्ट कैमरा बैकपैक है जो मैंने ओन किया है. मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाता हूँ जो मैं लेके जाता हूँ ट्रैवलिंग के वक्त. एंड गाइस, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको एक पूरी डिटेल वीडियो चाहिए अबाउट व्हाट्स इन माय कैमरा बैकपैक एंड मैं क्या क्या लेके ट्रैवल करता हूँ. अभी मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ. आई हैव अ फ़ोन गिम्बल, सनग्लासेस, फ़ोन अडैप्टर, यह है मेरा टेलीफोटो लेंस. हमेशा मैं एक स्पेयर माइक्रोफोन कैरी करता हूँ रोड का अपने साथ. ये भी एक वायरलेस माइक. उसके अलावा आई हैव ऑब्वियसली Insta360 एक्शन कैमरा एंड ड्रोन इस बैग की. ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इन्होंने ड्रोन के लिए पूरा सेपरेट कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो मुझे ड्रोन का बैग नहीं लेके जाना पड़ता अलग से. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने बैकपैक में रखता हूँ यहाँ की साइड पॉकेट्स में. तो कमेंट करके बताना इफ़ यू वांट अ रियली डिटेल्ड वीडियो ऑन व्हाट्स इन माय कैमरा बैकपैक. एंड अभी चलते हैं लंदन. सो गाइज, आई जस्ट रीच लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट एंड इमिग्रेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इवन दो ये इतना छोटा एयरपोर्ट है, क्योंकि आई थिंक पहले जो EU के नेशनल थे उनको इमिग्रेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ता था, बट अब सबको जाना पड़ता है. तो इवन छोटे एयरपोर्ट पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, एक घंटा सिर्फ मुझे इमिग्रेशन पे लग गया. एंड अब एक घंटा लगेगा सिटी के, मतलब लंदन जो मेन सिटी है वहाँ तक जाने में. तो अब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलती है किंग्स क्रॉस स्टेशन तक, फिर वहाँ से मुझे ट्यूब लेनी पड़ेगी. लंदन में मेट्रो को ट्यूब कहते हैं, तो यहाँ से ट्रेन लेते हैं एंड चलते हैं फाइनली लंदन के सिटी सेंटर. इन सारी डेस्टिनेशंस तक डायरेक्ट ट्रेन जाती है एंड मुझे जाना है आई थिंक पैडिंगटन स्टेशन. यहाँ से सबसे पास पड़ेगा क्योंकि जो मेरा कज़न है वो टावर ब्रिज के पास रहता है. तो यहाँ से ट्रेन एंड बस का दोनों का ऑप्शन था, तो मैंने बस ली है क्योंकि बस बिल्कुल मुझे सेंटर में छोड़ेगी लंदन के बेकर स्ट्रीट पर, एंड वहाँ से सिर्फ मुझे एक मेट्रो लेनी पड़ेगी. तो आई थिंक बस थोड़ी फास्टर होगी ट्रेन से. बस ने बिल्कुल सेंट्रल लंदन में उतारा है विक्टोरिया स्टेशन के पास, एंड अब यहाँ से मुझे ट्यूब लेके जाना है मॉर्गेट स्टेशन. आई थिंक अराउंड आधा घंटा और लगेगा, इतना ज़्यादा लेट कर दिया बस ने, इतनी स्लो चल रही थी. ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं अब, तो देखते हैं आज रात का क्या सीन रहता है. एंड लंदन की अपनी एक खुद की अलग वाइब है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है,
मैं आपको इस सीरीज में पूरा लंदन डिटेल में दिखाऊंगा। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस हाउसेस, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए आपको ऑयस्टर कार्ड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बार बार सिंगल वे टिकट लोगे तो बहुत महंगी पड़ती है। एंड लकीली मेरे पास ऑयस्टर कार्ड पहले से ही था। ईशान, नाइस मीट यू मैन। सब्सक्राइब बिलो, like, make sure you comment. You have to now. You know what I'm saying? Yeah. Just subscribe, press the little subscribe button on the bottom. What's your name, by the way? My name is Joe. Nice to meet you, man. Have a good, I've been playing bingo. Yeah. That's why I've got the, but subscribe. Much love to my viewers. Have a great night. So, as you can see, Friday night. सारे लोग बढ़िया पी पा के घूम रहे हैं। सो गाइस, मेन एयरपोर्ट पे ना ट्रैवल करने की ये दिक्कत होती है मुझे, अराउंड 2 घंटे हो गए निकले हुए एंड अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, एंड आई थिंक अभी भी 15-20 मिनट ईजिली लगेंगे। सो गाइस, इज द नेक्स्ट मॉर्निंग इन लंदन। कल रात को आते आते इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड दिस इज़ ऋषभ। हाय। ये है मेरा कज़न जिसके साथ मैंने प्रॉपर रोड ट्रिप करी थी, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। आई थिंक मैंने सारी, मतलब हमने सारी यूरोपियन कंट्री साथ ही विजिट करी। हमने ऑलमोस्ट सब साथ ही विजिट करी है। जितनी भी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले यूरोप में ट्रैवल करा है, वो सारा इसी के साथ करा है। तो अभी कहाँ लेके चल रहा है अब? हम चल रहे हैं एक बार ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। हाँ, उसके बाद हम चलेंगे पिकाडिली, लेस्टर स्क्वायर। तो सारा सेंट्रल लंदन कवर करते हैं? सारा सेंट्रल कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर शायद हाइड पार्क चलते हैं। चलो, तो आज मैं आपको पूरा सेंट्रल लंदन दिखाता हूँ। और सबसे पहले तो भूख लग रही है भाई, कुछ खाना खिलाया? हाँ यार, वहाँ पे जाके भाई बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे तो लंच टाइम है, पर हाँ आज हम उठे ही, मतलब कल फिर रात को आने के बाद वॉक पे चले गए थे यहाँ टावर ब्रिज तक। तो 5-1 बजे आए होंगे हम घर? 5 बजे आए हैं घर। तो सुबह 5 बजे वापस आए थे एंड 12 बजे तो हम उठे ही थे। तो 2 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ब्रंच कह सकते हैं, लंच टाइम ही है। तो लंच भी दिखाता हूँ और फिर आपको आज पूरा सेंट्रल लंदन दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ से ट्यूब लेनी है डायरेक्ट विक्टोरिया की, और विक्टोरिया से फिर पैदल चलेंगे? नहीं नहीं, हमें विक्टोरिया नहीं, ऑक्सफोर्ड से। ये ऑक्सफोर्ड जाती है डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड। ऑयस्टर कार्ड है ही? चलो ऑयस्टर है। मेरा तो स्टूडेंट वाला होगा ना? स्टूडेंट आईडी है मेरा, तो पिछली बार का ही पड़ा है। ये है लंदन का ऑक्सफोर्ड सर्कस। इतनी ज़्यादा भीड़ है इस वक्त, बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं है यहाँ तो। चलने की भी जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने टूरिस्ट आए हुए होंगे। नहीं नहीं, सब टूरिज्म पूरा भरा हुआ है। जबकि इंडिया से तो फिलहाल बंद था। हाँ, मतलब हाँ टूरिज्म तो बंद ही है इंडिया से। आई थिंक यूरोप से आ रहे हैं सारे लोग वैसे। यूरोपियन तो अरेबिक बहुत है यार, रात को आएंगे। हाँ रात को यहाँ पे सारा ये हैलोवीन थीम चल रही है अभी, और फिर क्रिसमस का भी, क्रिसमस का भी पीछे चल रहा है, और क्रिसमस अभी ये स्टार्ट कर, पूरी ये डेकोरेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी है क्रिसमस हैलोवीन वगैरह की। तो रात को भी आपको मैं आके ये पूरी ऑक्सफोर्ड सर्कस दिखाऊंगा स्ट्रीट। तो सेंट्रल लंदन के बेसिकली 5 मेन पार्ट हैं जो ये बिल्कुल साथ साथ हैं, पिकाडिली सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस, लीस्टर स्क्वायर, बॉन्ड स्ट्रीट एंड सोहो। अभी हम ऑक्सफोर्ड सर्कस में हैं एंड हम लंच करने जा रहे हैं यहाँ वागामामा में। ये एक एशियन स्टाइल रेस्टोरेंट है, तो अंदर जाके मैं आपको खाना भी दिखाता हूँ। यूके में रेस्टोरेंट्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, अगर आप कहीं भी कंपेयर करोगे। एक आपसे चिकन करी मंगा लेते? हाँ। और एक पास्ता? हाँ। और एक ही बोलते फिर स्टार्टर? हाँ, स्टार्टर एक ही बोलते, एक ही बोलते, एक ही बहुत है। बाओ और दो मेन, दो मेन बाओ, देख लो कौन सा बोले। यहाँ यूके में अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट जाओगे तो ये आपसे फूड एलर्जीज के बारे में ज़रूर पूछेंगे। ये सिर्फ मैंने यूके एंड यूएस में देखा है कि यहाँ पर लोग इनको इतना ज़्यादा सू करते हैं रेस्टोरेंट्स को, कि इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि ये एलर्जीज़ के बारे में पूछते ही पूछते हैं, और किसी कंट्री में मैंने ये चीज़ नहीं देखी। वो याद है एम्स्टरडम में जो डक खाई थी? हाँ हाँ, पेकिंग डक। कभी वैसी हो? नहीं, तो बेटर लग रही है। दिखने में तो बढ़िया लग रही है उससे। ये बाओ विद वीगन चिकन एंड पार्ट था है। यहाँ यूके में जो नोट होते हैं ये प्लास्टिक के होते हैं, तो फीलिंग बहुत बढ़िया होती है इनकी। This is the Queen Elizabeth. तो खाना इतना तो कोई खास टेस्टी नहीं था, तुझे कैसा लगा खाना? खाना तो बस ठीक है, लंदन में इतना तो कोई खास मिल पता नहीं रहा। लंदन में कैसे खाना अच्छा नहीं लग रहा हमें। पोलैंड में तो भाई हर पोलैंड का खाना इज वे गुड, लाइक वे बेटर। मतलब पोलैंड में आप किसी भी रेस्टोरेंट जाओगे तो इतना बढ़िया खाना होता है। बुदापेस्ट में भी सेम चीज़ हुई थी कि कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, एंड ऋषभ ने मुझे यही चीज़ बताई कि लंदन में ये हर दिन कोई ना कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करता है, एंड कोई भी अभी तक इसे कोई खास रेस्टोरेंट नहीं मिला है। काफी डिसअपॉइंटिंग है, मतलब समझ नहीं आ रहा
देखते हैं क्या पता इंटरनेशनल सिटी है वर्ल्ड की, पर स्टिल तो अभी एक दो दिन में देखते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा तो यहाँ पर इंडियन भी खाएंगे साउथ हॉल चल के। इंडियन तो अच्छा इंडियन मिल जाता है बल्कि अच्छा साउथ हॉल चलेंगे ना। हाँ तो एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा मैं पूरा साउथ हॉल का। तो अब हम जा रहे हैं पिकाडिली सर्कस जो सबसे मेन सेंटर है, जैसे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है वैसे यहाँ लंदन में पिकाडिली सर्कस है। एंड जैसे आपको US में स्टारबक्स, कनाडा में टिम हॉर्टन्स मिलता है, यहाँ UK में सबसे फेमस जो कॉफ़ी चेन है वो कोस्टा एंड प्रेता मोंजे है। एंड ये प्रेता मोंजे की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें आप 5 कॉफ़ी पर डे कोई भी फ्री में लो फॉर द फर्स्ट मंथ। तो मैंने अभी अभी फ्री ट्रायल के लिए साइनअप किया है तो मैं डेली 5 कॉफ़ी ले सकता हूँ फ्री में। अगर आप स्टारबक्स भी जाओगे तो आप सिर्फ 1 कॉफ़ी ऑर्डर करो एंड उसके बाद 2 रिफ़िल फ्री होती हैं। तो ये है पिकाडिली सर्कस, पूरे लंदन की सबसे मेन सेंट्रल लोकेशन। तो इसे लंदन का टाइम स्क्वायर भी कहते हैं। यहाँ से सीधा जाके लिस्टर स्क्वायर है, बिल्कुल सीधा लिस्ट। हाँ वहीं पे संजू देखी थी ना, वहीं संजू देखी थी। हाँ तो लास्ट भी हम लंदन साथ ही घूमने आए थे, हमें याद है यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा सिनेमा हॉल है जहाँ पर हमने संजू देखी थी। वो ऐसा था कि प्राइवेट जैसे प्राइवेट था क्योंकि इंडियन मूवीज कम स्क्रीन करते हैं। हाँ तो सिर्फ शायद 30-35 सीट्स थी, उससे भी कम, उससे भी कम 20 सीट थी। रिक्लाइनर्स थी सारे इंडियन से, कितना मजा आया। पिकाडिली सर्कस से सिर्फ 2-3 मिनट की वॉक पे है ये लिस्टर स्क्वायर। डेजर्ट के लिए प्लेस ढूंढ रहा है, डेजर्ट के लिए प्लेस ढूंढ रहा हूं। बढ़िया सा डोनट खाते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत टाइम हो गया, चाइनाटाउन चल रहा है ना। हां चाइनाटाउन चल रहा है, मिल गया वहां पे जापानीज कैस्टेला केक, ये बहुत मैंने नहीं खाया कभी, बहुत अच्छा। वो भी लेंगे, मैं तो वो भी लूंगा बबल टी। अरे बबल टी भी लाता हूं, बहुत ही टेस्टी बबल टी है। यहाँ लंदन में ऐसी रिक्शा चलती हैं एंड इनकी राइड 15 pounds per 10 minutes है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। अगर आप यूरोप की किसी भी मेजर सिटी में जाओगे तो आपको चाइना टाउन ज़रूर मिलेगा एंड लंदन का चाइना टाउन बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है एंड यहाँ पर लाइव शोज, लाइव परफॉर्मेंसेज चलती रहती हैं हमेशा अगर आप सेंटर में आओगे। ये यहाँ की गे स्ट्रीट है, हाँ ये आगे प्राइस स्ट्रीट है, सारे LGBTQ फ्रेंडली क्लब्स हैं और मतलब रात को बड़ा क्रेजी सीन होता है। आना है तेरे लिए रात को यहाँ पर? नहीं मैं ठीक हूँ, पर आज कोई ना कोई क्लब जरूर चलेंगे। हाँ रात को चलेंगे, आज चलेंगे क्लब, चल बबल टी पीते हैं। गे स्ट्रीट के बिल्कुल सामने ऐसे लॉलीपॉप मिल रहे हैं, चाहिए तो ये नाम क्या है इसका? इसका नाम है लॉलीपॉप। तो मैंने लिया मैंगो टी विद लीची बबल्स, बहुत रिफ्रेशिंग है। तो आप 2 टाइप की बबल टी ले सकते हो, अगर आप मिल्क टी लोगे तो उसमें टैपियोका के बने हुए होते हैं, वो बहुत चुई होते हैं। बट फ्रूट टी में ये पॉपिंग बबल्स होते हैं, ये बहुत टेस्टी हैं। ये सारी हो बसेस होती हैं जो यहाँ टूरिस्ट बसेस चलते हैं। तू गया था इन हो बसेस में? गया नहीं अभी तो नहीं गया। तो गाइज अब हमारा प्लान है हाइट पार्क जाने का, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले ब्लॉग से मैं आपको बाकी पूरा लंदन दिखाऊंगा, साउथ हॉल पे भी एक पूरी वीडियो आएगी, वो हम जा रहे हैं संडे को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सी यू गाइज। शी गिव्स मी रियल लव ऑल द टाइम, शी गिव्स मी रियल लव इज ऑल दैट मैटर्स।